सितारगंज की गैस एजेंसी में दो दिन से बरसात बंद होने के बाद भी नहीं खत्म हुआ जल भराव। सितारगंज में बाढ़ से निपटने के लिए लाख दावे करने के बावजूद भी प्रशासन कहीं न कहीं नतमस्तक होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो प्रशासन द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि बाढ़ अपक्ष से निपटने के पूरे पुख्ता इंतजाम है, वहीं दूसरी तरफ नजारा कुछ और ही है। वहीं आपको बता दें कि इस गैस एजेंसी से 70 से 80% लोग गैस सिलेंडर लेकर अपने परिवार का खाना बनाते हैं, उसमें 2 से 3 फीट तक पानी का जल भराव हो गया है। वहीं गैस एजेंसी के मैनेजर श्याम सिंह खत्री ने बताया कि इसकी सूचना एसडीएम कार्यालय में भी दी गई है और रोड निर्माण कंपनी से भी संपर्क किया गया है, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। पेश है सितारगंज के संवाददाता अनीस रजा की खास रिपोर्ट। सर, इसमें तो एक तो पर्ची काटने में बहुत दिक्कत आ रही है, महिलाओं के लिए अति ज्यादा दिक्कत है और ऑफिस में बैठ के काम करना दिक्कत है। सांप चले आ रहे अंदर, मेढक चले अंदर आ रहे हैं और कोई भी व्यक्ति काम कराने आ रहा है तो उसका काम नहीं हो पा रहा है। हाँ, तार झोल खा रहे हैं, करंट लगने का डर भी रहता है। अभी तो शुरुआत है बरसात की, तो अभी ये दिक्कत आ रही है। 3 फुट करीब पानी भर गया ऑफिस के अंदर, पूरा डॉक्यूमेंट सब भीग गया है। अब ज़्यादा तेज बारिश होगी तो उसमें जल भराव और ज़्यादा हो जाएगा। हमारे लिए बहुत दिक्कत है, पैर पूरे दिन भर पानी में पड़ा रहता है, पैर गलने की शिकायत होता आ रही है, खुजली बहुत हो रही है। इससे सितारगंज का पूरा शहर का पानी यहाँ आ चुका है, उसके अंदर आम के छिकल है, मेढक है, सब यहाँ से खुजली आ रही है। हरा पानी पूरा इकट्ठा हो चुका है, पूरे बदन में खुजली हो जा रही है। हमारे कागज भीगे हैं, सब काफ़ी पुराने डॉक्यूमेंट जो हमारे रखे गए थे, चूल्हे भीगे पड़े हैं, रेगुलेटर भीगे पड़े हैं। जितना स्टोव था हमने पूरा ऊपर गाया रख दिया, फिर भी माँ की जो बचा कुचा वो तो काफ़ी भीग चुका है। जल भराव की सूचना हमने एजीएम साहब को दे दी है, एजीएम साहब कार्यालय में मौजूद हैं, बाहर दौरे पर हैं, तो उनके जो नीचे अधिकारी हैं उनको दे दी गई है। तहसीलदार साहब को भी इसकी सूचना देने जा रहे हैं, जो कि इसका निस्तारण हो सके, पानी के विकास का काम हो सके।